अलजेब्रिक फार्मूलास, अलजेब्रिक फार्मूलास, जिस तरह ग्रेड 8 में आप लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वी हैव स्टडीड दिस इन ग्रेड 8, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोगों ने ग्रेड 7 और ग्रेड 8 दोनों में पढ़े हैं। अब नाइन्थ ग्रेड में हम आगे जाते हैं, इन दोनों फार्मूलों को हम ऐड करते हैं, लेफ्ट एडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इससे आता है ए स्क्वायर प्लस इधर ये दोनों चले गए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से 2a² हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 2b² हो गया, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों से 2 कामन निकाल ले तो 2 कामन निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, इसको हम फार्मूला नंबर 3 कहते हैं, ये आगे एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, ये तो एक फार्मूला नंबर 3 हो गया, अब फार्मूला नंबर 2 के लिए हम ऐसा करते हैं ना, ये दो फार्मूले फिर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस नंबर 3 के लिए हमने एडिशन कर दिया, इनके लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमने प्लस लिखा था अब माइनस, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन, और ये पूरा जुमला ब्रैकेट में लिख ले, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस जार प्लस 2ab माइनस प्लस जार माइनस बी स्क्वायर, अब इसमें देख ले कौन कौन से कटते हैं, ए स्क्वायर के साथ माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, 2ab प्लस 2ab तो 4ab, दिस इज फार्मूला नंबर 4। ओके जी, अब एग्जांपल 12 को आप देख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देख ले, अभी जो फार्मूले हमने इससे पहले प्रूफ कर लिए उन पर ये क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास फार्मूला ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली बस आपको याद होगा ये 2a² प्लस बी स्क्वायर आता है, दोबारा वो प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो इस फार्मूला ये फार्मूला इसके बराबर है। तो अब हम ऐसा करते हैं ना कि राइट साइड को हम लेफ्ट साइड बना सकते हैं और लेफ्ट को राइट, यानी इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्यों, जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये देखो
2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो a प्लस बी स्क्वायर तो 5 स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर लिख ले। ठीक है, अब देखें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ये हो गया 2 2 4, तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब 29 तो हो गया, लेकिन हमसे वो जो पूछते हैं ये चीज़ पूछते हैं हमसे, 2 इसके साथ नहीं है तो 2 हमने यहाँ से हटाना है, तो 2 जो है मल्टीप्लाई की हालत में है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, 2 2 ख़त्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29/2, ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है जी, दूसरा आंसर जब आएगा तो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, माइनस का फार्मूला, वो ये है। एक तो ये हो गया, दूसरा हमसे वो ए बी पूछते हैं ना, ए बी ये तो हमने निकाल लिया, अब ए बी की बारी है, तो ए बी का फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, या 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी की जगह 5 होल स्क्वायर और a माइनस बी 2 होल स्क्वायर, और 4ab इज इक्वल टू 25 माइनस 4। ठीक है, 5 5 25 माइनस 2 2 4, तो 4ab हमारे पास आएगा 21। अब हम से ab पूछते हैं, 4ab नहीं पूछते, तो 4ab से ab किस तरह हम बनाएंगे, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड्स। ठीक है, तो ab इज इक्वल टू 21/4।